पिछले 24 घंटे की बात करें तो मौसम पूरे प्रदेश में ही साफ रहा है। तापमानों की बात करें, जो दिन के तापमान है वो पूरे प्रदेश में ही सामान्य से मतलब काफ़ी अधिक चल रहे हैं, मतलब एवरेज 4 से 6 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जो हाईएस्ट था वो सुंदरनगर में रिकॉर्ड किया गया था 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास, और शिमला की बात करें तो 15 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था, जो कि सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। न्यूनतम तापमान हालांकि सामान्य चल रहे हैं प्रदेश में ही, जो सुमदो है वहाँ पे था -5.2, वहीं अगर भुंतर में भी 0 के आसपास ही है, कल्पा में भी मतलब माइनस में है जो न्यूनतम तापमान है। और आगामी 5 से 6 दिनों की बात करें तो देखिए 7 तारीख तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ रहने की संभावना है। इसी दौरान जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे कांगड़ा का जो प्लेन एरिया है, बिलासपुर है, मंडी, हमीरपुर, फिर सोलन का एरिया जो बद्दी एरिया है, और सिरमौर का प्लेन एरिया, वहाँ पे डेंस फॉग होने की संभावना है। और फिर 8 तारीख को एक फीबल WW प्रदेश में आएगा, उसके चलते जो इफेक्ट होगा वो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, लाहौल स्पीति, किन्नौर और चंबा में होगा, उसके चलते हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। और जो हमारे प्लेन के डिस्ट्रिक्ट हैं और जो डिस्ट्रिक्ट जैसे मंडी है, शिमला है, यहाँ पे अभी मतलब 8 तारीख तक ऐसे कोई एक्टिविटी की संभावना नहीं है। बारिश देखिए दिसंबर माह में जो बारिश है वो सामान्य से -85% है, और केवल अक्टूबर में था जो सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई, नवंबर में -39% बारिश थी मतलब सामान्य से। तो अभी ओवरऑल जो पोस्ट मानसून सीज़न है हमारा जो पिछले 3 महीनों का है, उसमें सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड की गई पूरे प्रदेश में ही। फिलहाल अभी जो डे के टेम्परेचर जो मैक्सिमम टेम्परेचर हैं वो सामान्य से अधिक चल रहे हैं, मतलब पूरे प्रदेश में ही 4 से 6 डिग्री अधिक चल रहे हैं। जैसे मैं शिमला कहा तो शिमला जैसे 15 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया पिछले 24 घंटों, जो सामान्य से 4 डिग्री अधिक है। वैसे ही जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर मंडी है, तो यहाँ पर भी सामान्य से 4 से 6 डिग्री अधिक रिकॉर्ड किए गए हैं। जो न्यूनतम तापमान है हालांकि वो सामान्य है, जैसे मैंने कहा कि लाहौल स्पीति में जो है टेम्परेचर वो माइनस में है, भुंतर की बात करें तो वहाँ भी 0 के आसपास है, और शिमला में भी 5.4, जो कि सामान्य है। सर फॉग को जो 5 दिन हैं तो उसमें क्या है कि जो सुबह के समय ना, जैसे लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग आवर्स में, जैसे डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर है हमारा, कांगड़ा का नूरपुर की जो बेल्ट है, जो सोलन की जो बद्दी की बेल्ट है, और सिरमौर की जो प्लेन एरिया, वहाँ पे सुबह के आवर्स में मतलब डेंस फॉग होने की संभावना है। इस चलते उसमें ड्राइविंग वगैरह में थोड़ी सावधानी बरते हैं। जिस तरह से ऐसे कोई रिकॉर्ड ब्रेक नहीं, हालांकि सामान्य से कम बारिश रिकॉर्ड मतलब रिकॉर्ड की गई है। देखिए अभी जो अनुमान है जो मैं बता रहा हूँ वो आपका 8 तारीख तक है, वो जैसे ही 8 के बाद कोई अपडेट होगी मतलब वेदर रिगार्डिंग तो हम जारी करेंगे। हालांकि जो 8 तारीख को जो सिस्टम अप्रोच कर रहा है वो 8 तारीख को केवल जो हमारे जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, वहाँ पर इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, और जैसे ही कोई और अपडेट आएगी तो हम जारी करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।